जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल में प्रशासन ने फिर से अवैध रूप से होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया है। उपमंडल अधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यहां पर 45 पर्यटन इकाइयां पंजीकृत नहीं पाई गई है। ऐसे में इन सभी इकाइयों को बंद कर दिया गया है और सभी इकाइयों के संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कसोल में करीब 15 ऐसी कैंपिंग साइट पाई गई है जो बिना पंजीकरण चल रही थी। प्रशासन द्वारा लगातार सभी पर्यटन इकाइयों की जाँच की जा रही है और आने वाले दिनों में मणिकर्ण घाटी के अन्य इलाकों में भी ये जाँच जारी रहेगी। हमने छलाल चोज की तरफ को हमारी टीम्स ने 5-1 दिन काम किया और वहाँ पे कई होटल्स और जो हमारे फेक नकली कैंप्स चल रहे हैं, इलीगल कैंप्स चल रहे हैं, उनको नोटिसेस किए हैं। साथ ही जो सड़क के किनारे वाले एनक्रोचर्स हैं उन सबको भी हम ड्यूली जो है वक्त दे चुके हैं। अभी हमने लेटेस्ट भाई मंगलवार तक का उनको समय दिया है कि वो अपने आप ही एनक्रोचमेंट वगैरह रिमूव कर लें। यदि नहीं करते हैं वो तो हमारी जो साडा की टीम है उसको मजबूरन फोर्स को अपने हाथ में लेते हुए खुद ही डेमोलिशंस वगैरह करनी पड़ेंगी। अगर हम रोड साइड पे जो एनक्रोचमेंट्स हैं, ढाबे वगैरह हैं, उनकी डिटेल लें तो लगभग 45 से 50 के करीब जो हैं उस पूरी की पूरे स्ट्रेच पे हमको मिल जाएंगे जिनको हमने नोटिस दे दिए हैं और हम उनको फोर्सिबली रिमूव कर देंगे। इनफैक्ट हमने जो कसोल से कुल्लू की तरफ के जो रोड साइड पे इलीगल एस्टेब्लिशमेंट है अभी तक हमने उनको नोटिस नहीं किया है, उसको हम सेकंड फेज में नोटिस करेंगे। और थर्डली जो हमारे मणिकर्ण और मणिकर्ण से आगे के इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं रोड साइड, तो उनको हम जो है उसी सेकंड फेज में करेंगे। तो अभी फर्स्ट फेज में हम खाली कसोल को कवर कर रहे हैं।